नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। बेंगलुरु की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या मामले में 24 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं। 24 घंटे बाद भी कर्नाटक पुलिस के हाथ खाली है। गौरी हत्याकांड में पुलिस सीसीटीवी जांच कर रही है। आपको बता दें, 15 दिन पहले ही गौरी ने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है, लेकिन अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बेंगलुरु के राजेश्वरी नगर में इसी जगह पर कल रात गौरी लंकेश की हत्या हुई। मौके से पुलिस को गोलियों के 4 खोखे मिले हैं। अब सीसीटीवी के सहारे पुलिस हत्या का सुराग तलाश रही है। बेंगलुरु शहर में पिछले 3 से 4 दिनों से रेकी की जा रही थी गौरी लंकेश की, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। और रेकी करके ही जब कल मंगलवार की शाम को अपने घर, अपने दफ्तर से वो निकली और घर के परिसर पर पहुंची, तब उनके पीछे हत्यारे जो थे आते रहे और उनके घर के गेट पर उन्हें रोका, उनसे बातचीत की और फिर उनको गोली मारी। नक्सलियों की समर्थक गौरी कर्नाटक में एक पत्रिका भी निकालती थी। गौरी दक्षिणपंथी विचारधारा की विरोधी थी। भाई इंद्रजीत की मांग है कि हत्या की सीबीआई जांच हो। I'm requesting a CBI probe because as in the earlier in the past we have seen Kalburgi's issue which the state investigated it and it is with great what you call sadness। गौरी को पहले भी धमकियां मिली थी। फिलहाल कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए SIT गठित की है। गृह मंत्री ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गौरी लंकेश की हत्या को लेकर कांग्रेस जहां दक्षिणपंथी पर सवाल उठा रही है ताकतों पर, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी चूंकि राज्य में कानून व्यवस्था का मुद्दा खराब है, इसको लेकर सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी पर। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित देश के कई शहरों में पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हमले की निंदा तो की, लेकिन निशाने पर बीजेपी को लिया। बीजेपी की विचारधारा सच्चाई को दबाने की, कुचलने की कोशिश कर रही है, मगर ये हिंदुस्तान में किया नहीं जा सकता। लेकिन राहुल शायद भूल गए कि कर्नाटक में उन्हीं की सरकार है, लिहाजा बीजेपी ने फौरन पलटवार कर दिया। प्रदेश सरकार जैसे जांच करती है वो भरोसे के लायक नहीं है। गौरी लंकेश की हत्या पर पत्रकारों की संस्था BEA ने बयान जारी कर हत्या की निंदा की है। संगठन ने कहा है कि एक पत्रकार की हत्या बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों की पहचान के लिए सरकार को तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। इस पूरे मामले में इंसाफ होना चाहिए। ये है ABP News, आपको रखे आगे।